वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज का थंबनेल एंड टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज के वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो आपको पता ही होगा मैं आपके साथ बहुत सारे हाइलाइटर्स के रिव्यू शेयर करती रहती हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक फॉरेन ब्रांड का हाइलाइटर जो कि आता है फ्रॉम द कंपनी डियोर। तो ये है फ्रेंच ब्रांड का। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखने में कैसा है और ये कितना पिगमेंटेड है। आप देख सकते हैं ऐसे मिरर दिया गया है और ऐसे काफी सारे शेड्स दिए गए हैं। तो एक शेड को मैं लेकर दिखाती हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप लुक दिखा देती हूँ। तो काफी सारे कलर्स हैं इसमें, पिंक है, ब्राउन है, थोड़ा सा व्हाइट है। तो अपने हैंड पे लगा के दिखाती हूँ। तो अगर कैमरा फोकस कर पा रहा हो तो ये लाइट पिंक कलर का है एंड देन इसके अंदर आ जाता है ब्राउन का शेड। तो ब्राउन का शेड भी मैं आपको लेकर दिखाती हूँ। ये काफी माइल्ड हाइलाइटर है। मैं दिखाऊंगी आपको इसका क्लोजअप लुक भी। दिखा देती हूँ आपको इस हाइलाइटर का क्लोजअप लुक। आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है DIOR डियोर। तो ये फ्रेंच का ब्रांड है। तो चलिए मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पर एक मिरर आता है और काफी सारे शेड आते हैं। तो मैं थोड़ा क्लोजअप दिखा देती हूँ आपको। तो पिगमेंटेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये काफी लाइट हाईलाइटर है। मतलब अगर आप इसको लगाओगे तो पता ही नहीं चलेगा आपने कोई हाईलाइटर लगाया हुआ है या नहीं। तो बहुत ही ज्यादा माइल्ड हाईलाइटर चाहिए तभी आप इसको परचेज करें। अगर आप कोई बहुत ज्यादा चमकदार हाईलाइटर नहीं लगाना चाहते तब आप डियोर को चुन सकते हैं। डियोर जो है हर जगह अवेलेबल है, इनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो ये तो बस मेरा आज का रिव्यू। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ। बाय।